तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। और मटन को लिए हैं हम 600 ग्राम और ताज़ा और फ्रेश मटन है। और ये लिए हैं मसाला, ये हो गया खड़ा गरम मसाला हो गया, ये बड़ी वाला इलायची है, ये रेड मिर्च है, तेजपत्ता है। और ये लिए हैं लहसुन का पोट और अपने प्याज लिए हैं अपने हिसाब से। और इसमें लहसुन आदि का पेस्ट हम कर लिए हैं और गैस को ऑन करके कुकर को अब रख दिए हैं। सरसों का तेल डालने जा रहे हैं, गरम मसाला को खड़ा ही डाल दे रहे हैं, तो हम 5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें अब हम मसाला को पानी में थोड़ा सा भिंगो कर रखेंगे कुछ देर तक, टेस्ट अच्छा आता है इस तरह करीब। हल्का सब्जी मसाला है क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी पाउडर को ऐड कर देते हैं। तो ये प्याज भुंजा गया है, हल्का सा, हल्का ही भुंजाया हुआ है। और इसमें हम डाल रहे हैं मटन को। मटन को अच्छी तरह से आप चला दें। कुकर बंद है, थोड़ा इसे देखते हैं किस टाइप का है। तो चलाकर इसको देख रहे हैं, तो इसमें हम नमक डाल दिए हैं, अभी जस्ट ही हम डाले हैं। और इसमें अब डालने जा रहे हैं हम मसाला। हम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाकर और ढक देना है। थोड़ा देखते हैं कैसा है मटन, और इसे चला कर भी देखते हैं। तो ये मटन अब भुंजा कर रेडी हो गया है, और इसमें अपने हिसाब से आप पानी को डाल लें। मटन देख रहे हैं, ये मटन बन गया है, और इसे चला कर देख लेते हैं। और मटन बनकर रेडी हो गया है।